लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 8 अक्टूबर से एक दिवसीय मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपना दूसरा एक दिवसीय मैच लखनऊ में खेलेगी, इसकी पुष्टि बीसीसीआई ने की है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2022 को टी20 सीरीज का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच इकाना स्टेडियम में खेला गया था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लगभग 3.5 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं की बात की जाए तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ष 2019 में अपना होम ग्राउंड बताया था। इस दौरान 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे, 3 टी20 और 1 टेस्ट मैच खेला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।